आपके और मेरे में कॉमन यही है कि आप चाय बेचते थे और मैं जी वेटर था, दोनों के आप और मेरे में ये भी है कि हम दोनों के कोई गॉडफादर नहीं थे, हम अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स और कंडीशंस पे बनाई है, बस तो ये रहा है बस। जब मैं चाय बेचता था बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, बहुत लोगों से मिलने का मौका मिलता था, हर एक के स्वभाव को समझता था। बिना कारण जो चाय पीने वाला है गुस्सा करता था, डांट देता था, तो इन चीज़ों को सीखने में बहुत काम आया। लेकिन एक चीज़ मैंने बहुत मज़ेदार है मेरी ज़िंदगी की, मैं जब लोगों से हिंदी में बात करता हूँ तो बहुत सरप्राइज करते। मुझे हमारे सिकंदर बख्त साहब थे बीजेपी के लीडर जी, वो मुझे हमेशा कह रहे हैं आप मोदी तू इतनी बढ़िया हिंदी कैसे बोल लेता है, तू तो बोले गुज्जू है, ये तेरा मुरारजी, वो दोस्त था ना, है तो बहुत बड़ी आयु के थे, बोले तेरा मुरारजी इतने साल तक यहाँ रहा लेकिन उसको हिंदी बोलना नहीं आता है, ऐसा मुझे। तो उसका कारण ये था कि मैं चाय बेचता था तो मेरे गांव में ये जो ट्रेनें तो बहुत कम आती थी, लेकिन ये जो मालगाड़ी होती है जो माल ढोती है वो ज़्यादा आती थी, और मुंबई में जो भैंसों के तबेले रहते हैं उसके जो दूध बेचने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, दूध जब भैंस देती है तब तक मुंबई में रखते हैं, बाद में वो गांव में आके छोड़ देते हैं। वो भैंसों को लाना ले जाना एक बड़ा कारोबार चलता था, तो वो आते थे और वो बेचारे घास वास उसी में भरते थे, उसी में रहते थे और भैंसों को ले जाते थे। एक व्यक्ति आएगा तो 3-4 दिन रहना पड़ता था, हम उनको उनको चाय चाहिए हम चाय देते थे। उनसे बातें करते करते मैं हिंदी सीख गया। अच्छा, फिर वो क्या करते थे अपना म्यूजिक की कुछ चीज़ें ले आते थे, तो शाम को वो चौपाइयाँ वोपाइयाँ अपना भजन कीर्तन करते रहते, तो मैं कभी जाके बैठ जाता था, तो मुझे उसके कारण नॉर्थ के कल्चर से परिचय आया। ओके, तो एक प्रकार से चाय ने मुझे ये लैंग्वेज सिखा दी।